जो मर गए ना उनके बारे में कह दिया है कि जो अथॉरिटी के पास जाइए वहां एक सेट पैरामीटर्स है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसा ये एफिडेविट कह रहा है। नहीं सुनिए, वैसा नहीं है, जो लोग मर गए उनके जो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। सुनिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बढ़िया जजमेंट है, तो लेकिन वो क्या है, वो तो छोटा पैरामीटर है लेकिन वो बेसिक पैरामीटर, उससे एक्स्ट्रा मिलेगा। वो पैरामीटर क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप हितेश कड़वे का केस लीजिए, हितेश कड़वे 23 साल की उम्र थी, वैक्सीन लिया, डेथ हो गई, तो आज उसको समझो सैलरी 1,00,000 रुपए महीना कमाता था, 70 साल जिएगा, तो 70 साल तक का उसका पैरामीटर लगाया जाता है, उतना जितना वो कमाएगा 70 साल में प्लस उसका प्रमोशन होगा वो 30% का, वो इंक्रीज किया जाता है, और जिस दिन मरा उस दिन से अभी तक का इंटरेस्ट ऐसा मिला के 5-10 करोड़ रुपए एक दिया जाता है कॉम्पेंसेशन पर पर्सन उसके फैमिली मेंबर को। लेकिन यहाँ तो एक्स्ट्रा केस है ना, यहाँ तो नॉट ओनली दैट, यहाँ तो तुमने जबरदस्ती फोर्स किया और उसको लेने लगाया, और वो हिसाब से और ज्यादा उनके ऊपर कॉम्पेंसेशन भी जाता है, और इसमें जान जाने के लिए मास मर्डर के लिए सब प्रकाश पौल जी का बिल्कुल सही बात है, ये जिनोसाइड का मास मर्डर का केस है। अभी इसमें तो हर गांव से देखना, अभी इतने केसेस आएंगे, इतने वकील है देश भर में, तो अभी नीलेश जी आप वकील की एक मिनट रुकिए, देश का पंथ प्रधान बताइए, वो मैंने देश के लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा जान जोखिम में डाल दिया, पार्लियामेंट में खड़े होकर के सबको आह्वान कर रहे हैं कि ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, वो क्या कर सकते हैं बताइए, वो पंथ प्रधान है, चारों तरफ से लोग बोल रहा है बहुत भयंकर बीमारी आ गई है, कितनी लोगों की जान जाएगी पता नहीं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबको करो, और आज भी कल भी होम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे देश के पंत प्रधान के आह्वान पर 4 घंटे में पूरा देश ब्लॉक हो गया, ये क्रेडिबिलिटी है हमारे देश के पंत प्रधान की, और आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, मास मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, अरे तो क्या करता, पूरी दुनिया में मौतें हो रही थी, पूरी दुनिया में आउटब्रेक हो गया था, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, यूरोप में, कहां नहीं हुआ था, क्या करता हमारे देश का पंत प्रधान, ये भाजपा के सारे कार्यकर्ता दलील दे रहे हैं टेलीविजन पर आ करके, बताइए। और ये जो चिदंबरम और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, ये भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहला केस इस दोनों के खिलाफ करिए, मैं बता रहा हूं आपको नीलेश जी, सुने पहला केस इस दोनों के खिलाफ करिए, राहुल गांधी और चिदंबरम के खिलाफ, ये दोनों इसके लिए बोनाफाइड कैंडिडेट हैं, और उसके बाद जो मैं बता रहा हूं, ये सारे चैनल वालों को पहले आपको देखिए, सारे चैनल वालों को बुला करके बोलिए कि तुमने कब कब दिखाया था, जो अभी भारत सरकार कह रही है वाइडली हमने इसको एडवर्टाइज किया कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कि किस चैनल पे दिखाया, किस अखबार को दिखाया, ये सौम्या स्वामीनाथन, ये जो जर्नलिज्म ऑफ करेज वाली, एक मिनट अखबार दिखाओ, जर्नलिज्म ऑफ करेज, ये जर्नलिज्म ऑफ करेज वाला, ये जो है गोयनका समूह, क्या इसने छापा था, क्या एडवर्स इवेंट बताइए, पूछिए नीलेश जी, इनको पार्टी बना करके पूछिए, ये प्रमोट कर रहे थे ये लोग। और अभी दिलीप लुनाथ का जो डॉक्टर लुनाथ का जो केस है उसमें इनको एफिडेविट देना है, इसमें तो उनके पास में कोई डिफेंस ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कंपलसरी किया था, और इन्होंने तो एफिडेविट दिया है दिसंबर 21 को कि इसके कोई डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट नहीं है, तो अभी इनके पास तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं तो आप नीलेश जी सारे एफिडेविट्स को मिला लेंगे। अच्छा अभी मैं प्रकाश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे देश की जनता अब क्या करें, आपको मोर्चा निकालना पड़ेगा, यात्रा निकालनी पड़ेगी सड़क पर, तभी जनता जागेगी, आपको बताना पड़ेगा घर घर जाकर के। प्रकाश जी तो वास्तव में वो भी सही बोल रहे हैं प्रकाश जी कि ये सब बात ये कितने एफिडेविट को आप जमा करेंगे, सुने ना उतना दूर जाने की जरूरत नहीं ना। अभी आप एक पॉजिटिव पॉइंट देखिए इसका, बहुत बड़ी आशा की किरण है इसमें, बहुत बड़ी जीत है, आप सभी लोगों की जीत है, ये सारे जितने देश के कोरोना योद्धा थे अपने, मतलब डॉक्टर बीआरसी से लेके कॉमन मैन तक, सारे यूट्यूबर से लेके सब, वीरेंद्र सिंह से लेके सारे लोग, चाहे वो डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा हो या जो भी हो, जिन जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी, अपना योहान टेंगरा, अंबर कोहली, सब लोग, ये सभी लोगों की जीत कैसी है, मतलब ये आप ही आपस में खुद को बचाने का धोरण चालू हो गया है, वो अधिकारी दे रहा है, आप उसके ऊपर केस डालो, ये कह रहा है कि नहीं आप उस पे केस डालो, तो कम से कम इसमें ये तो बात आ गई,
अभी कोर्ट को सिर्फ क्या करना है, कॉम्पेंसेशन तो देना है, वसूल किससे करना है, झगड़ा वही है। आप ये बात समझ लो एक, और दूसरी चीज कोर्ट जो है कॉमेडी रूम में तब्दील होने वाला है, क्योंकि कोर्ट सुनेगा ये उसका दोस्त कह रहा है, वो उसका दोस्त कह रहा है, और जितनी जो कमिटियां बताइए, लेकिन इसमें तो बोल रहा है कि बहुत सारी कमिटियां हैं हमारी, इन कमिटियों से ट्रायल व्रायल हो करके हम जाते हैं, पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है, सो उसका क्या करेंगे। सुनिए पहली चीज, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, इनका क्या करेंगे, ये तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 20 महीने वहां गए नहीं, और लोगों को बोल रहे थे कि वैक्सीन ले लो, अमुक करो तमुक करो, पहले तो इनको फांसी पे चढ़ाओ, उद्धव ठाकरे को फांसी पे चढ़ाओ, उनकी केस तैयार है, उनका गवर्नर के तरफ से हमने डीम सैंक्शन का लेटर भी बोलकर मतलब उनका रिप्लाई भी लिया है उसमें, तो कैसा है कि ये केसेस पे तो बाद में आते, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कम से कम इन्होंने ये तो कह दिया कि जिन लोगों ने साइड इफेक्ट नहीं बताया और जिन लोगों ने कंपलसरी किया वो आरोपी है, वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए बाध्य है, ये तो सरकार ने मान लिया ना, अब पूरा देश ही वैसा है। आप ही ये खुशी की बात है कि हर मतलब उनके आपस में अभी झगड़े भी होंगे, आप इसके बाद में जो बिल गेट का और आदर पूनावाला का जो प्लान होगा, WHO का प्लान होगा, उसमें तो ये अधिकारी कोई उनको साथ नहीं देने वाला, वो बोलेगा भाई तुम्हारे कॉन्स्पिरेसी में हम नहीं आएंगे, कल ये सब एक एक का जेल में जाने का नंबर है, तो ये एक पॉजिटिव अचीवमेंट है कम से कम। देखो आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा नहीं कोई केस नहीं चलेगा, कोई वैक्सीन कंपनी के खिलाफ केस नहीं चलेगा, लेकिन इंडिया में तो कह रहे हैं ना, उन्होंने लिस्ट दिया है, ये केस है तो आप वैक्सीन कंपनी पे केस डालो, ऐसा है तो आप अधिकारी पे केस डालो, तो मार रहा है ना सरकार। तो अभी शुरुआत करते हैं अभी और देखते जाइए, जल्दी से जल्दी बिल गेट आदर पुनावाला इनके अरेस्ट वाले निकलेंगे जल्दी, देखते जाओ अभी। अब आखिरी सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि अभी से ये जो सौम्या स्वामीनाथन है, ये वायरस का और वो आवाज चैनल, ये सब लोग एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि बैक्टीरिया से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, हमें बहुत ज्यादा कॉशस रहने की जरूरत है, इन इन माफियाओं को मालूम है कि ये उसी का असर है, इनको मालूम है, इनको सब मालूम है ये उसी का असर है, अब उस असर को डाइवर्ट करने के लिए कि 5 बैक्टीरिया का ये आ गया है तो अफ्रीका में कुछ हो रहा है, कुछ वायरस और नए मिल रहे हैं उसका इंपैक्ट होने वाला है, तो ये नया नया ड्रामा चल रहा है, तो डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा इस नए ड्रामा को कैसे काउंटर करेंगे। डॉक्टर माया कुछ कहना चाह रही है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि जो जैकब पियल का पहला केस है उसमें कितने अधिकारियों के ऑफिशियल ऑर्डर दिए गए हैं, लाइक यहाँ बड़ौदा के और गुजरात के कई कलेक्टर्स जिन्होंने ऑफिशियली लिखा था कि टीचर्स हैव टू टेक वैक्सीन, तो ये सब लोगों को कोर्ट को खुद को क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब सुमो मोटो बाकी तो छोटी छोटी बात में करते हैं, इसमें क्यों नहीं करते हैं कि ऐसे ऑर्डर्स आपने किस तरह दिए, सब ऑर्डर्स कलेक्ट करके अटैच किए हुए हैं मुझे